तो गाइस यार मैं गया था इंडिया, ये यार लकी बॉक्स लेने। ये है इंडियन सुपर हीरोज के लकी बॉक्स। मेरे सारे क्लास के स्टूडेंट बोल रहे थे कि उन्हें यार इंडियन सुपर हीरो के लकी बॉक्सेस खोलने, तो मैं लेके आ चुका हूँ इंडिया से सारे के सारे लकी बॉक्सेस। और एक लकी बॉक्स अंदर अपनी रिक्शा में पड़ा है, तो फटाफट से इसको लेके चलते हैं अपनी क्लास में। इस अपने प्यारे से ऑटो में हम जाने वाले अपनी क्लास में। पीछे देख सकते हो यार एक छोटा सा फ्लाइंग जेट का लकी बॉक्स पड़ा है, और ऊपर हमारे शक्तिमान का बहुत बड़ा लकी बॉक्स है, और उससे ऊपर है क्रिश का लकी बॉक्स, और हमारे पास ऐसे बहुत सारे। तो इनको फटाफट से लेके चलते हैं अपनी क्लास में, आज तो बहुत मजा आने वाला है। तो यार हम आ चुके हैं अपनी क्लास में और सारे के सारे एवेंजर्स भी आ चुके हैं, क्योंकि यार इन्होंने स्पेशली यार लकी बॉक्सेस मंगवाए थे इंडिया से। सभी के सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड, आज तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है सारे लकी बॉक्स खोलने में। एक सेकंड, ये एक सीट यहाँ पे खाली क्यों है? एक सेकंड, यहाँ पे शिनचैन बैठता है ना। अरे शिनचैन कहाँ रह गया आज? अबे शिनचैन कैसे लेट हो गया? अरे सर हमें नहीं पता है। मुझे भी नहीं पता। अरे आज तो फेंकी बे मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। अरे मुझे जल्दी से क्लास में पहुंचने पड़ेगा। फेंकी बे मैं आ रहा हूँ। अरे फेंकी बे मैं आ गया, फेंकी बे मैं आ गया। अरे अंकल साइड हो जाओ ना। अबे शिनचैन आ गया, शिनचैन आ गया। अरे फेंकी बे थोड़ा सा मैं लेट हो गया था यार, सॉरी 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 फेंकी बे, सॉरी ना यार, सॉरी ना यार। अरे हाँ मैं कुछ बोल तो ना रहा हूँ, क्लास अभी शुरू नहीं हुई है। तो गाइस यार अब यार शिनचैन पे आ चुका है, क्लास हो चुकी है अपनी फुल, और हमारे पास यार एक सीट नहीं थी डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए, तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने खुद की सीट आके वो बीच में बैठ चुका है। तो सब के सब बिल्कुल तैयार है सारे के सारे लकी बॉक्सेस खोलने में। फ्लाइंग जेट के लकी बॉक्सेस है, क्रिश लकी बॉक्सेस, शक्तिमान के लकी बॉक्सेस से, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो यार आपको तो पता ही मैं क्या करने वाला हूं, मैं पूछूंगा तुमसे यार क्वेश्चंस, और जो भी सबसे पहले सबसे सही आंसर देगा उसको यार लकी बॉक्स खोलने का मौका मिलेगा। अरे बाबा मैं तो सारी पढ़ाई करके आया हूं, मैं सब बता दूंगा। अरे सब नहीं बताता ना, एक ही बार खोलने का मौका मिलेगा। तो चलो यार आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं एक मैथ्स का क्वेश्चन। मुझे बताओ 8 × 3 + 10 + 6 कितने होते हैं? गाइस यार आप भी फटाफट से कमेंट में इसका आंसर बता सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 8 × 3 + 10 + 6। अरे सर मुझे पता है 94। अबे चल भाग यहाँ से। हम है थॉर ओडिन पुत्र, हम बताएंगे इसका आंसर। हाँ बताओ बताओ। इसका आंसर है 40। बहुत बढ़िया, तो आज का सबसे पहला सही आंसर दिया है थॉर ने। तो सबसे पहला इंडियन सुपर हीरो का लकी बॉक्स खोलने वाले है थॉर, और ये क्या इन्होंने तो खोल भी दिया। एक सेकंड, अब इनको तो रिक्शा मिल गई, अब वो भी साइकिल वाली है, तो बहुत ज्यादा बढ़िया यार। और ये क्या थॉर को तुमने ये क्या दे दिया? अरे ये एक सुपर रिक्शा, ये देख तो सर, ये उड़ती भी है। अरे ये बिजली के देवता के लिए तो सबसे खतरनाक चीज है, इसको लेके मैं एस्गार्ड जाऊंगा और वहां पे सबको दिखाऊंगा, और इसमें बिजली वाले पाइप भी इंस्टॉल करूंगा। तो गाइस यार अभी थॉर को यार बढ़िया सी रिक्शा मिल चुकी है, जो कि ये लेके जाने वाला एस्गार्ड। ये है सुपर रिक्शा जो कि बहुत ज्यादा मस्त है। तो चलो यार अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब मैं पूछने वाला एक बहुत ही बढ़िया साइंस का क्वेश्चन। मुझे बताओ जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो हमारी बॉडी में कहाँ से शुरू होता है? ये तो बहुत ईजी है, मैंने तुमको पढ़ा रखा है। अभी मैंने खाना नहीं खाया, मुझे याद नहीं है। अबे शिनचैन चुपचाप बता दे। कौन बताएगा भाई? मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। हाँ समोसे वाले भैया, मतलब कैप्टन अमेरिका। बताओ बताओ। डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है हमारे स्टमक से। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर। डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है हमारे स्टमक से, और ये तो पहली बारी में खोल दिया। अरे गाइस यार ये तो फ्लाइंग जेट बन चुका है भाई, कैप्टन अमेरिका भाई बन चुका है फ्लाइंग जेट, और ये क्या ही उड़ रहा है। गाइस यार इसको तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला यार भाई लकी बॉक्स मिल गया। ये देखो सर ये क्या कर रहा है, अरे भाई उस कार को पूरा हवा में उड़ा दिया भाई, ये क्या ही उड़ रहा है। बनूंगा दुनिया का सबसे खतरनाक एवेंजर, ये ले। गाइस यार आप फटाफट से कमेंट बता दो, कैप्टन अमेरिका यार बन चुका है फ्लाइंग जेट, कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। अब अगला क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ सोशल साइंस का। मुझे बताओ दुनिया का सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? सर आई वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन। हाँ हाँ बताओ बताओ। सर पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। अरे आंसर बताओ, ये क्या बोल रहे हो? सर पैसिफिक ओशन। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। आओ यार अब खोलने वाली है वोंडा एक बहुत ही बड़ा सा लकी बॉक्स। सर दिस लकी बॉक्स इज वेरी बिग फॉर मी, कैन यू गिव मी द स्मॉल वन? हाँ हाँ वही सेम सेम। अभी यार वोंडा खोलने वाली है शक्तिमान का बहुत बड़ा लकी बॉक्स। अरे खोलने से खुल क्यों नहीं रहा? और ये खुल गया। और गाइस सर ये क्या है? अरे ये क्या हो गया? ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे लगा था मैं तो बहुत खतरनाक वाला सुपर हीरो बनूंगी। अरे ये क्या? अरे सुनो ना कैप्टन अमेरिका, क्या तुम चेंज करोगे? तुम मुझे फ्लाइंग जेट बना दो, मैं तुम्हें बाइक दे देती हूँ। अरे यार ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा, चलो ठीक है इस बाइक में घूमना पड़ेगा। तो गाइस यार अभी यार वोंडा को मिल चुके हीरो होंडा बाइक, वो भी उस बड़े से लकी बॉक्स में, जो कि शक्तिमान का इतना बड़ा लकी बॉक्स था। और ये वोंडा क्या स्टंट मार रही है उसमें, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक चीज मिल गई इसको। अरे रुको रुको रुको, अरे दीदी मेरी बात सुनो, क्या तुम मेरे साथ चलोगे 9 से 12 पिक्चर देखने? अरे वो कोई पिक्चर पिक्चर नहीं देखने देना, चुपचाप क्लास में आओ। अगला जो क्वेश्चन है वो मैं पूछने वाला हूँ हिंदी में, हवा महल कहाँ स्थित है? यही पे की बेस समझने ढंग से बताए उन्हें। अरे मतलब हवा महल है ना जो, वो कहाँ पर है? अरे ये तो मुझे बताए, यहाँ पे तो मैं घूम के भी आया था, मस्त जगह, उसका नाम है जयपुर। बहुत ही बढ़िया, तो आर्यमैन ने दे दिया बिल्कुल सही जवाब, हवा महल है जयपुर में। और फटाफट से खोल दे क्रिश का लकी बॉक्स। और ये क्या, अरे भाई साहब इतना ज्यादा बड़ा वाला क्रिश। और गाइस आप देख सकते हो आयरमैन बन चुका, बहुत ज्यादा बड़ा वाला क्रिश, इन पेड़ों से भी बड़ा। भाई ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। हेलो मैं तो बहुत बड़ा हो गया, अब तो मजा आएगा, सबको खत्म कर दूंगा। अबे सुपर हीरो है कि सुपर विलन, सबको मार क्यों रहा है? हाइला इसमें बहुत मजा आ रहा है। अब ये तो क्रिश की तरह बात करने लग गया। भाई कितना ज्यादा बड़ा है ये, चुपचाप खड़ा हो जा भाई, धरती हिलती है तो हिलता है। तो गाइस देखो तो कितना ज्यादा बड़ा है। तो चलो यार इसको छोड़ो, अपन चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मुझे बताओ 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है? कौन बताएगा भाई? जिसने इसको बताया उसको मेरी तरफ से एक टॉफी। अरे बाबा ये तो मैं बताऊंगा, 4 6 3 9। अरे 12 इसका आंसर। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। और डॉक्टर स्ट्रेंज ने खोल दिया लकी बॉक्स। और ये क्या, डॉक्टर स्ट्रेंज हमारे बन चुके हैं शक्तिमान। और ये क्या, अरे भाई ये क्या, अबे ये क्या लेजर निकाल रहा है अपनी आंखों में से, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अरे भाई मुझे बहुत शौक था किसी आदमी को उठा के उसके कार के साथ उसको पानी में छोड़ के आने का, चलो अभी छोड़ के आ जाता हूँ। अब एक तो भाई इनको सुपर हीरो बनना था कि सुपर विलन, भाई ये तो फालतू फालतू काम कर रहे हैं। तो चलो यार अपन अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे बताओ अपने पूरे सोलर सिस्टम में 7th प्लेनेट कौन सा है? 7th प्लेनेट है यूरेनस। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब अपने हल्क ने दे दिया। और ये भी खोलने वाले क्रिश का एक मस्त सा लकी बॉक्स, देखते हैं इनको क्या मिलता है। अरे भाई हल्क से नहीं खुल रहा क्रिश का लकी बॉक्स, अबे दम लगा थोड़ा सा। अरे लकी बॉक्स को मार, कहाँ हवा में मार रहा है, अबे मार ले। ओ भाई साहब ये तो और खतरनाक है, हल्क को मिल चुका है एक ऑटो। भाई ये तो बहुत ज्यादा मस्त है, पर मेरे को लगता है ये भी कोई सुपर ऑटो। अरे हाँ भाई उसने जैसे गाड़ी को टच किया वो कितना ज्यादा दूर गई, देखते हैं ये तेज स्पीड में करते तो, और ये गाड़ी फट गई। भाई तो सुपर ऑटो बहुत ज्यादा वाला खतरनाक सुपर ऑटो है। आज से हल्क सिर्फ सुपर ऑटो चलाएगा। अरे फेकी बे ये वाला ऑटो तो मुझे भी चाहिए। अबे ऐसे तो ना मिलेगा, तेरे को क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा ना। अरे फेकी बे पर मुझे कुछ याद नहीं होता यार, मैंने कल बहुत कोशिश करी। हाँ तो पूरा दिन एक्शन काम में देखेगा ना तो कुछ याद भी नहीं होगा। अरे फेकी बे सॉरी ना यार, और तू आज लेट भी आया था शिनचैन। अरे फिकी बे अबली की बैटरी से कभी लेट नहीं आऊंगा, सबसे पहले मैं आ जाऊंगा। अच्छा चल ठीक है, लकी बॉक्स खोल ही ले। तो गाइस आज शक्तिमान का लकी बॉक्स खोलने वाला है शिनचैन, अपना बड़ा सा लकी बॉक्स खोलो। और ये क्या, अबे एक और बड़ा सा क्रिश, और वो भी तीन मुंडी वाला, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अरे फिकी बे मैं तो कितना ज्यादा खतरनाक बन गया, अब तो इसको मैं मार दूंगा, सबको मार दूंगा। अरे एक सर वाले क्रिश, इधर तेरे को बताता हूँ मैं, अरे मुझे बचाओ। तो गाइस अब यार शिनचैन बन चुका है तीन सर वाला, वो भी बड़ा वाला क्रिश, और इसने आयरन मैन की तो हालत खराब कर दी। और कितनी बड़ी छलांगे मारा, शिनचैन मत कर, अरे पूरी क्लास खराब कर रहे हैं। ऐही फिकी मैं आज तो सबको मारूंगा मैं, बहुत मजा आ रहा है मुझे। अबे शिनचैन फालतू पागल मत कर। ऐही फिकी मैं लॉस सेंटर्स की सबसे बड़ी बिल्डिंग पे आ गया, ये देखो कितना ज्यादा खतरनाक हो गया हूं मैं। और गाइस यार ये शिनचैन ने तो मेरी पूरी क्लास खराब कर दी यार। अब यार पूरे बच्चों को इधर उधर मार दिया। वोंडा मैं तेरी बाइक लेके जा रहा हूँ, शायद कभी वापस नहीं दूंगा। तो गाइस मैं तो निकल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अपने घर पे। अरे मेरे को लगा था लकी बॉक्स हट जाएगा, पर ये हटा भी नहीं। ये शिनचैन और कितने ज्यादा बड़े हो चुके थे, और ये शिनचैन तो भाई तीन सर वाला क्रिश बन चुका है। मैं तो जा रहा हूं सीधा अपने घर पे। तो गाइस आज की वीडियो इतना ही। अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसी लगी वीडियो, फटाफट से कमेंट में बता दो। और कैसे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड के डिस्क्रिप्शन में वहां पर जाकर जाना फॉलो कर लेना। और गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।